रैशनल नंबर जो हमारे पास होते हैं, रैशनल रैशनल नंबर्स को पहचानने का हमने एक तरीका बनाया है कि वो किस फॉर्म में होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, और इरेशनल नंबर को पहचानने का हमारे पास एक तरीका है इरेशनल, वो मेथड है हमारे पास इरेशनल नंबर का, कि वो अगर इन चार में से कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं तो वो इरेशनल होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? ना तो वो टर्मिनेटिंग हो और ना ही वो रिपीटिंग हो, ऐसे, या वो परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो। क्या ना हो? परफेक्ट स्क्वायर रूट। फॉर एग्जांपल रूट 5, रूट 3, रूट 2, रूट 7, ये सारे नंबर, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी कि वो परफेक्ट क्यूब रूट ना हो। हाँ, फॉर एग्जांपल यही सारे एग्जांपल, ये रूट 10 इस तरह से, है ना। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी? पाई इज एन इरेशनल नंबर, ठीक। लास्ट क्लासों में हम इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इसी के बेसिस पर मेरे पास एक्सरसाइज 1.5 में एक क्वेश्चन है, पहले उसको समझते हैं फिर इनकी थोड़ी सी अलजेब्रा देखेंगे। एक्सरसाइज है मेरे पास 1.5 और उसका मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। ओके, ये मेरे पास नंबर है 2 माइनस रूट 5। अब यहाँ पर आपको एक नंबर दिखाई दिया रैशनल, एक नंबर दिखाई दिया इरेशनल। अब ये रैशनल और इरेशनल का क्या है डिफरेंस? क्या है डिफरेंस? अब रैशनल में से इरेशनल माइनस करें तब क्या होता है, या इरेशनल में से इरेशनल माइनस करें तब क्या होता है? तो इसके लिए पहले से हमें थोड़ा सा प्लस माइनस सीखना पड़ेगा। किसका? इरेशनल नंबर का। रैशनल का तो हमें आता है, हमें इरेशनल का सीखना पड़ेगा। तो पहले हम थोड़ी सी बातें उसकी कर लेते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। सपोज करिए मैंने किसी बच्चे से कहा कि आप मुझे ये मल्टीप्लाई करके दिखाइए, तो वो कर देगा बड़े आसानी से, क्योंकि दोनों ही नंबर कैसे हैं? रैशनल। और इसका आंसर उसने दिया कितना? ठीक। फिर से मैंने यहाँ पर फिर से एक उसको क्वेश्चन दिया, इसको मल्टीप्लाई करके दिखाइए, बिल्कुल आसान था करना, कितना? और एक और मैंने उसको मल्टीप्लाई करने के लिए दिया ये, उसने क्या आंसर दिया मुझे? ओके, इस तरह से चीज़ें चल रही थी। अब मैंने चीज़ों को थोड़ा चेंज करना शुरू किया, मैंने उसके सामने क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा, एक ये वाला 2 तो ऐसे ही रहने दिया, इसके ऊपर मैंने रूट लगा दिया। क्या लगा दिया? रूट, ठीक है मेरे बच्चों। अब आपके सामने बोर्ड पर 2 डिजिट लिखी हुई हैं, जिसमें से एक के पास नंबर है और एक के पास एक नंबर है, और दूसरा नंबर जो है उसके पास क्या है? रूट लगा हुआ है, इस तरह से चल रहा है। तो जब भी हमारे पास ऐसा नंबर आता है जिसमें एक के ऊपर रूट लगा हो और एक के ऊपर रूट ना लगा हो, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं? जो बिना रूट वाला नंबर है वो एज इट इज लिखते हैं, और जिसके साथ रूट है वो उसके साथ लिख देते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2√2। इतनी बात आई समझ में? एक नंबर जो बिना रूट वाला है, एक रूट वाला है, उसको मैंने आपको क्या बोला कैसे लिखना है? नंबर ऐसे ही लिखा और उसके साथ रूट वाला नंबर लिख दिया, ठीक है, ये सॉल्व हो गया, इसके आगे कुछ नहीं करना इसमें। ओके, इतनी बात आ रही है आपको समझ में? अब फिर से ध्यान देना, अगर मैंने सर यहाँ पर दोनों जगह रूट लगा दिया तब क्या हुआ? दोनों जगह रूट लगा दिया मैंने, है ना। तो अगर दोनों के ऊपर रूट हो तो दोनों रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, टोटल के ऊपर आ सकता है ऐसे, ठीक। इस बात का मतलब क्या आएगा? √4। एक के ऊपर अगर रूट हो तो मल्टीप्लाई इस तरह से होगा, अगर दोनों के ऊपर रूट हो तो वो रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये आ जाएगा। इतनी बात आ गई आपको समझ में? ठीक। अब इसके आगे देखिए, अगर सर यहां पर कोई और डिजिट हो तो, यहां पर एक डिजिट हो यहां कोई दूसरी डिजिट हो तो, तब भी रूल वही रहेगा। क्या रूल रहेगा? कि आपको रूट के अंदर मल्टीप्लाई करा देने हैं वो 2 × 5। आंसर कितना? √10। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी भी आपको आ गई। अब इसके बाद
फिर से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक जगह लिखता हूँ रूट फाइव, एक जगह लिखता हूँ फिर से रूट फाइव। बताइए क्या करना है? हाँ, रूट के अंदर मल्टीप्लाई कराना है, तो कितना आ जाएगा? अब आपको सीधा समझ में आता है। ठीक, ये तो हुए मल्टीप्लाई के रूल, जो पॉसिबल हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए। ठीक है, एक के पास रूट हो एक के पास ना हो तो ऐसे लिखना है, अगर दोनों के ऊपर रूट हो तो ऐसे लिखना है। ठीक, अब लेकिन बोर्ड पर एक खास बात लिखी हुई है जो आपने शायद ध्यान नहीं दिया, क्या कि जब भी रूट टू इंटू रूट टू किया मैंने, ये दोनों नंबर जब सेम थे तो आंसर कितना आया, और इसको हम क्या कहते हैं, है ना? इस बात का मतलब ये है कि अगर रूट में दो नंबर एक जैसे लिखे हों तो उनका आंसर क्या आ जाता है, वही नंबर आ जाता है। मतलब रूट टू इंटू रूट टू क्या होता होगा, टू। ठीक, फिर से रूट फाइव इंटू रूट फाइव कितना लिखा आपने, और 25 किसके इक्वल होता है, ओके, ये भी बात आसान है बिल्कुल। अब नेक्स्ट बात सुनिए आप ध्यान से, अब आप इसका मल्टीप्लाई ना कराएंगे, अब आप मुझे सीधा आंसर बताइए, 3। कैसा? 3, बिल्कुल सिंपल है। क्यों? क्योंकि 3 इंटू 3 9 हुआ होगा, और 9 का आंसर कितना आ रहा होगा, 3। तो हमने एक सिंपल रूल बना लिया। क्या रूल बना लिया? कि अगर दो नंबर हो एक जैसे हो और रूट के अंदर लिखे हो तो उनका आंसर वही नंबर आ जाता है बिना रूट के। दोनों रूट में हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, बिना रूट के वही नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मुझे इसका आंसर बताइए कितना आएगा। ठीक है सर, अब तो समझ में आती है मैं बात। ठीक, अच्छा, इसके बाद इसका आंसर बताइए मुझे, रूट 12। वेरी गुड, कितना रूट, अगर एक जैसे होंगे तो नंबर को लिखेंगे ऐसा, और नहीं होंगे तो क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे। फिर से ये बताइए मुझे, हाँ वेरी गुड, कितना, 4√3, क्योंकि एक पर रूट नहीं था तो वो उसके साथ ऐसे लिख दिया जाएगा। ये प्यारे बच्चों मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस है, रूट वाले नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, या दो इरेशनल नंबर। अब आप बोर्ड पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जब ये नंबर लिखा था मैंने तो कैसा नंबर था, तो आंसर है ये था रैशनल नंबर, और ये नंबर कैसा था, तो हमने देखो रूल बनाना सीख लिया है मैथ्स में। जब एक रैशनल का एक इरेशनल में मल्टीप्लाई कराया तो आंसर कैसा आया, इरेशनल। ये नंबर कैसा है, इरेशनल। क्यों सर, इरेशनल क्यों है ये नंबर? क्योंकि अगर यहाँ पर मैं 2 लिखूँ और साथ में रूट 2 लिखा हुआ है, 2 ऐसे ही, ठीक है, अगर ये इरेशनल नंबर है तो इसका आंसर कुछ ऐसा रहा होगा। मैं केवल एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ, इस तरह से ऐसे ही तो रहा होगा। जो इरेशनल नंबर होते हैं ना तो वो टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर ऐसे नंबर में जो ना टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दें तो क्या फर्क पड़ जाएगा उस पर, वो कुछ ऐसा रहा हो जाएगा। अब भी ये कैसा है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, यानी कि कैसा नंबर है ये, इरेशनल। ठीक, तो एक रूल बन गया, कौन सा रूल, रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर क्या आता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, बिल्कुल आसान सी बात। अच्छा, अब दूसरा रूल बनाइए। हमने क्या किया, एक इरेशनल नंबर लिया और एक और इरेशनल नंबर लिया, मतलब सर ये एक इरेशनल है ये भी एक इरेशनल नंबर है, और जब हमने सॉल्व किया तो आंसर कितना आया। अब एक चीज और देखना इसी के साथ साथ, ये एक इरेशनल है ये भी एक इरेशनल नंबर है, लेकिन ये भी कैसा नंबर है। इस बात का मतलब तो ये हुआ कि जब दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कराया जाता है तो उसका आंसर कैसा आ सकता है, या कैसा आ सकता है, बिल्कुल सिंपल है। ये डिपेंड करेगा कि वहां पर कैसी डिजिट है, अगर सेम डिजिट होंगी तो आंसर रैशनल आ जाएगा, और अगर डिफरेंट डिजिट होंगी तो आंसर इरेशनल हो सकता है। ये समझ आ रहा है आपको? ठीक, ये भी हमने एक रूल बनाया, बिल्कुल आसान सी बात है, ओके। और कोई रूल हमें बोर्ड पर दिखाई दे रहा है क्या?
ओके हम सारी बातें कर चुके हैं, ये दोनों रूल हमारे मल्टीप्लिकेशन के हो गए। अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट बात करता हूँ आपसे, डिवीजन के रूल इसी तरह से चलेंगे, जो मैंने ये बनाए हैं ये मल्टीप्लिकेशन के हैं, इसी तरह से किसके चलेंगे, डिवीजन के रूल। डिवीजन हम कुछ करके देखें क्या, जैसे 2/√2 है ना, ये नंबर कैसा है, इरेशनल। इसको सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें सर, तो देखो जैसे ये 2 लिखा है प्यारे बच्चों, है ना, और अगर ये इरेशनल नंबर है तो ये ऐसा नंबर रहा होगा ना, जो तो ना टर्मिनेट हो रहा हो ना रिपीट हो रहा हो, है ना, तो कुछ ऐसा रहा होगा, थोड़ी देर के लिए मैंने ऐसा लिखा, ऐसा हो चल रहा होगा। इस नंबर से इसको डिवाइड कराएंगे तब भी आंसर कैसा रहेगा, इरेशनल, ना तो वो टर्मिनेट हो रहा होगा ना रिपीट हो रहा होगा, है ना, तो हम क्या कहेंगे, हमारा आंसर फाइनली इरेशनली आ रहा होगा, वॉट एवर जो भी आ रहा हो। तो हमने यहाँ पर बनाया एक रूल कि रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से अगर हम डिवाइड करें तो हमने ये देखा है कि उसका आंसर क्या आता है, इरेशनल। ठीक, अब दूसरा रूल सुनिए आप, अगर इरेशनल नंबर को, ध्यान से देखना बेटा ये वाली चीज़ जो मैं बता रहा हूँ अब इसको ध्यान से देखना, ठीक है, इरेशनल नंबर है ये, और प्यारे बच्चों मैंने इसके नीचे भी क्या लिख दिया, इससे ये कैंसिल हुआ तो आंसर कितना है ना, और 1 कैसा नंबर है, रैशनल, वेरी गुड। अच्छा अब इसके बाद फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने प्यारे बच्चों लिखा √10 और उसके नीचे मैंने लिखा प्यारे बच्चों √5 है ना, √10 में क्या, √5। √10 कैसा नंबर है और √5, अच्छा अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टोटल के ऊपर रूट, ये जो रूट था ना पहले अलग अलग था, अब दोनों के ऊपर कंप्लीट ले लिया, अब मैंने इसको कैंसिल किया तो बताइए क्या आंसर आएगा, 2 के ऊपर रूट, अब कैसा आंसर आया, तो हमने ये देखा कि इरेशनल को जब इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ सकता है, और क्या आ सकता है, दोनों हो सकते हैं, इसका मतलब आप ये कह रहे हो, तो ठीक है आपने मुझे एक रूल बनाकर दिया कि अगर इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करें तो आंसर रैशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है। ठीक है, तो जो मैंने आपसे कहा था जैसा रूल मल्टीप्लाई के लिए चलता है वैसा ही डिवाइड के लिए चलता है, ये समझ आ रहा है आपको, ठीक। अच्छा अब इसके बाद आगे बढ़ता हूँ, ये तो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड सिखा दिया आपको, प्लस माइनस भी तो रह गए सर, प्लस माइनस करके दिखाइए, देखिए ध्यान दीजिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने किसी बच्चे को ये करने के लिए दिया, इसको सॉल्व करके दिखाओ बेटा, तो उसने बिल्कुल आसानी से कर दिया क्योंकि वो इंटीजर को सॉल्व करना जानता था, ठीक, उसने आंसर दिया 5 - 2 कितना, 3। फिर से मैंने उसको एक क्वेश्चन दिया कि बेटा इसको सॉल्व करके दिखाओ, 2 - 5, तो उसने बड़े आसानी सॉल्व करके दिया मुझे -3। ठीक, अच्छा अब यही चीज अगर मैं रूट के अंदर सोचूं तब क्या होगा, तो मैंने लिखना स्टार्ट किया √5 - √2, ठीक है बेटे, √5 - √2। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि √5 - √2 का आंसर इरेशनल नंबर आएगा, क्यों क्यों आएगा सर, आप सोचिए, ये नंबर कुछ ऐसा होगा जो ना टर्मिनेट होता होगा ना रिपीट, ये नंबर भी ऐसा होगा जो ना टर्मिनेट होगा ना रिपीट, और इन दोनों को सॉल्व करें तो आंसर कैसा आएगा, जो ना टर्मिनेट होता हो और ना रिपीट, कैसे सर, करके दिखाइए एक एग्जाम्पल देकर, देखिए ध्यान दीजिए, 2.02 ऐसे चल रहा है ना, और ये मैंने कैसा नंबर लिखा, इरेशनली तो है, और अब ये वाला बताना ये नंबर कैसा है, ये भी इरेशनल है, इसमें से इसको माइनस कराइए प्यारे बच्चों, तो इसमें से ये माइनस हुआ कितना आया, 0, और फिर इधर भी क्या आ रहा होगा बताइए, अब बताना मुझे ये कैसा नंबर बन रहा है, तो आपको समझ में आ रही है बात कि इरेशनल में से इरेशनल माइनस करें तो आंसर कैसा आता है, इरेशनल। ठीक, फिर से अगर सर आपने केवल यहाँ पर लगाया होता, मान लो रूट लगा देते और यहाँ ना लगाते सर, तब तब क्या होता, तो आंसर है ये नंबर भी कैसा होता, इरेशनल। क्यों, अगर ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी में से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे ये नंबर है ना प्यारे बच्चों, अब देखना मैं इसमें से 1 माइनस कर रहा हूँ, 1 कितना माइनस कर रहा हूँ,
अगर 1 माइनस करूं तो 1 के पीछे अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? ये तो आपको समझ में आता होगा, जो अच्छे बच्चे हैं थोड़े से उनको समझ में आ रही होगी बात कि अगर कहीं 1 लिख रहा है तो उनको ऐसे लिख सकते हैं 1.0। तो दोनों कैसी बातें होती हैं, एक ही बातें होती हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने पहले 1 माइनस करना चाहता था मैं, तो पॉइंट के बाद मैंने पीछे सारे क्या लिख लिए, 0। ठीक है, अब माइनस कराइए, 2 माइनस 1 कितना, अब कितना बचा ना, ये 2 0 0 2। अब मुझे इस आंसर को देखकर बताइए कैसा नंबर है। तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि जब भी इरेशनल में से इरेशनल माइनस करते हैं, इरेशनल में से इरेशनल माइनस करते हैं, आंसर कैसा आता है, इरेशनल। ठीक है, जब भी इरेशनल में से रेशनल माइनस करते हैं तो हमें क्या देखने को मिला, कैसा आंसर आता है, इरेशनल। ठीक है, इसका अगर सर अपोजिट होता तो 2 माइनस रूट 5, यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर क्या, तब भी आंसर क्या रहता, बिल्कुल आंसर वो माइनस में आ रहा होता लेकिन इरेशनल नंबर ही आ रहा होता। ठीक है, तो ये आपने मुझे एक रूल बनाकर दिया, और रेशनल माइनस रेशनल तो आप पहले से जानते ही हो और ये मैंने आपको बता दिया। ओके, ये प्यारे बच्चों रूल बनकर आपके सामने आ गए। ये समझ आ रहे हैं आपको? अच्छा सर, ये सारी बातें हुई माइनस की, अब प्लस करके दिखाइए आप। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, रूट फाइव में अगर रूट टू ऐड कर देते हम, जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना यहाँ पर, उसमें ऐड कर देते तो आंसर कैसा आता आपके साथ, इरेशनल। तो ठीक है, ये ठीक लिखा है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं प्लस कर दूँ तो सोचिए इरेशनल ही रहेगा बेटे, कन्फ्यूज नहीं हो ना उसमें। अगर इसमें टू ऐड करोगे, टू तो 2 और 2 मिलकर कितना बन जाएगा ये, और पीछे वाली डिजिट तो ऐसी रहेगी, और ये नॉन टर्मिनेट, ना तो टर्मिनेट हो रही है और ना रिपीट हो रही है, तो ये कैसा रहेगा, इरेशनल। ठीक है, और ये भी वही बात है सब कुछ। ठीक है, तो आपने मुझे रूल बना कर दिया कि अगर हम इरेशनल नंबर में एक रैशनल नंबर ऐड करें तो आंसर कैसे देखने को मिलते हैं, इरेशनल, और इरेशनल में अगर हम कभी इरेशनल को ऐड कर दें तो भी आंसर कैसे रहते हैं, इरेशनल। ये समझ आ रहा है? ठीक, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा प्लस माइनस करके दिखाया, इसके बेसिस पर आपको कुछ बातें थोड़ी सी समझ में आई होंगी। फॉर एग्जांपल देखिए, ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 1.5 है। जब मैंने इसका पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा तब हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो नहीं पता थी, लेकिन अब हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि रैशनल नंबर कहीं पर लिखा हो उसमें से इरेशनल माइनस करें, तो इरेशनल नंबर के आप प्लस माइनस कुछ भी करें सबके आंसर कैसे होते हैं, ये अब हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर आंसर लिख दिया अपना देखते ही, इरेशनल। अब कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि ये यहां क्यों लिख दिया गया, इसका आंसर क्या आएगा, इरेशनल। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट, सबका ध्यान बोर्ड पर रहेगा, देखो सारी बातें समझ में आएंगी। सेकंड पार्ट, 3 प्लस रूट 23, √23 - √23, ऐसा क्वेश्चन आया। ठीक है, देखना कैसे सॉल्व करना है, 3 ऐसी ठीक है, प्लस ऐसी ठीक है, √23 भी ऐसी ठीक है ना, और ये पीछे क्या चल रहा था, माइनस का √23, यही तो किया मैंने, ये लिखा ये और माइनस का ये, है ना। अब देखना ये प्लस का है और ये, तो ये क्या बचेगा, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 3/1, यानी P/Q, मतलब कैसा नंबर, रैशनल। ये बिल्कुल आसान वाला एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं। देखो सारी बातें समझ में आएंगी, 2√7/7√7, इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आया, देखिए कैसे करेंगे। सबका ध्यान बोर्ड पर रहेगा, देखो कितने आसानी से हो जाएगा, √7 से √7, तो क्या बचा, और ये तो P/Q की फॉर्म है, तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। ठीक, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। इसके बाद फोर्थ पार्ट, 1/√2, ये तो सर हम सीख चुके हैं, कैसे ऊपर लिखा हुआ है रैशनल और नीचे लिखा हो इरेशनल, ऊपर लिखा हो रैशनल
और नीचे लिखा हो इरेशनल, तो आंसर क्या आता है? ये हमने अभी अभी डिस्कस किया था, तो अब आपको समझ में आ जाएगी बात कि वन कैसा नंबर है, रैशनल, और ये तो आंसर कैसा आएगा, इरेशनल। ये ठीक है, आपको समझ में आ गई बात। इसके बाद फिफ्थ पार्ट, टू पाई। सर ये तो बताने की जरूरत नहीं है, पाई कैसा नंबर होता है, इरेशनल। समझ आ रहा आपको, कोई डाउट तो नहीं आ रहा? ओके, तो ये था आपका 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1।